Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are taking prose number 4, The Two Great Musicians, from third language English textbook. Let's start the topic. We are going to know about two great musicians. One is M.S. Subbalakshmi, the renowned musician from South India. Another one is beloved and renowned playback singer Lata Mangeshkar. तो ये दोनों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे M.S. Subbalakshmi के ताल्लुक से. प्रीवियस तमाम असबाब के मैंने वीडियो करके डाले हैं, आप देख सकते हैं. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं. तो M.S. Subbalakshmi के ताल्लुक से इस वीडियो में पढ़ते हैं पहले, बाद में लता मंगेशकर के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे. तो M.S. Subbalakshmi वॉज बोर्न ऑन 16 सितंबर 1916. तो M.S. Subbalakshmi का जन्म 16 सितंबर 1916 को होता है और इनकी वफात 11 दिसंबर 2004. शी डाइड ऑन 11 दिसंबर 2004. हर अचीवमेंट्स, शी इज फेमस एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. तो ये मशहूर थी बुलबुले हिंद के तौर पर, यानी आपको बुलबुले हिंद कहा जाता था. जिस तरह सरोजिनी नायडू को भी बुलबुले हिंद कहा जाता था, M.S. Subbalakshmi को भी बुलबुले हिंद कहा जाता. सेकेंड अचीवमेंट ये है कि आपको पद्म भूषण अवार्ड मिला 1954 में. थर्ड अचीवमेंट, शी वॉन इंदिरा गांधी अवार्ड इन 1990. तो 1990 में आपको इंदिरा गांधी अवार्ड से नवाजा गया. शी संग इन UNO. शी हैज संग इन UNO. तो आपने UNO में, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अकवा मुत्तहदा के दफ्तर में गीत गाया. M.S. Subbalakshmi वो मशहूर मौसीकार हैं जिन्होंने UNO में अपना गीत गाया. वो द विनर ऑफ मैनी अवार्ड्स. आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते और इसमें सब में फेमस जो है आपका, शी रिसीव भारत रत्न अवार्ड इन 1998. तो शी वन भारत रत्न अवार्ड इन 1998. तो ये हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी आला शहरी एजाज है, आला शहरी अवार्ड है. तो ये आला तरीन अवार्ड जो है भारत रत्न का आपको 1998 में मिला. तो इसके ताल्लुक से भी सवाल आ सकते हैं, आपके बर्थ के ताल्लुक से, डेथ के ताल्लुक से. तो ये तमाम जो डेट हैं, ईयर्स हैं, आपको याद रखना होगा कि M.S. Subbalakshmi को भारत रत्न अवार्ड कब मिला. तो आप कहेंगे 1998. ठीक है, इसके बाद में हम सबक का आगाज करते हैं. तो श्रीमती M.S. Subbalakshmi के ताल्लुक से, तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स जो भी ग्लोजरी है तो उसके मीनिंग मैंने यहाँ पे उर्दू में दे रखे हैं. आप देखिए वर्ड्स के मीनिंग आप देख सकते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब फर्स्ट हम पैराग्राफ लेते हैं. द वन लाइन कमेंट क्यू ऑफ देन प्रेसिडेंट K.R. नारायणा दैट द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अवॉर्ड The Bharat Ratna to M.S. Subbalakshmi was greeted by divines of Indian music. तो यहाँ पे एक सत्री हुकूमत का फरमान जब जारी करते हैं, कौन? प्रेसिडेंट K.R. नारायण. 1998 में जो भारत के सदर जमहूरिया थे, प्रेसिडेंट थे, वो K.R. नारायण थे. जब उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अवॉर्ड, ख्वाहिश जाहिर की कि वो भारत रत्न अवार्ड जो है M.S. Subbalakshmi को देने जा रहे हैं. ये न्यूज़ जैसे ही मिलती है तो म्यूज़िक के जो डिवाइन्स, यानी मौसीकी में जो माहिर तबका है, मौसीकी का माहिर तबका है या तजुर्बेकार लोग थे, उन्होंने इसको, इसका स्वागत किया, उन्होंने इसकी खुशामदीद की, उन्होंने इसे खुशी जाहिर की. ग्रीटेड By Divines of Indian Music. तो खुशी जाहिर की कि म्यूजिक में M.S. Subbalakshmi को जो भारत रत्न अवार्ड मिल रहा है,
बहुत ही खुशी की बात है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। शी वॉज इनफैक्ट द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड दिस डिस्टिंक्शन। म्यूजिक में पहली मर्तबा किसी को भारत रत्न का जैसा आला एजाज मिला है वो कौन थी? एमएस सुब्बलक्ष्मी थी, पहली खातून थी म्यूजिक से ताल्लुक रखने वाली जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। व्हेन द प्रेसिडेंट स्पोक टू हर ओवर द फोन, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर हिंद ने आपसे फोन पे बात की। बिफोर मेकिंग अनाउंसमेंट, यानी भारत रत्न का अवार्ड का अनाउंसमेंट करने से पहले प्रेसिडेंट ने आपसे बात की। आई विटनेसेस सेड एमएस वाज रेंडर्ड स्पीचलेस, जब जैसा ही फोन आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और वो कहते हैं कि आपको भारत रत्न का अवार्ड दिया जा रहा है तो एमएस सुब्बलक्ष्मी बेजबान हो गई, ताज्जुब से उनकी जबान से कोई लफ्ज ना निकला, वो स्पीचलेस हो गई। अब थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। हाउएवर अ मोमेंट ऑफ जॉय वाज स्टिंग्ड विद सैडनेस As she had lost her husband, Tyagaraja Sadashivam, a freedom fighter, just a couple of months earlier. लेकिन वो लम्हा जो था जब आपको भारत रत्न का अवार्ड दिया जा रहा था, वो लम्हा, वो खुशी का लम्हा, वो मोमेंट ऑफ जॉय, खुशी का लम्हा टिंग्ड यानी रंगा हुआ था सैडनेस, यानी वो जो खुशी का लम्हा था उसमें गम छुपा हुआ। कैसा गम? She had lost her husband, Tyagaraja Sadashivam. तो एमएस सुब्बलक्ष्मी ने अपने हस्बैंड को खो दिया था, उनका इंतकाल हो चुका था बस कुछ महीने पहले, अवार्ड मिलने के कुछ महीने पहले, तो वो गमगीन थी उस वक्त आपको ये खुशी का मैसेज मिला। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। Prominent personalities in the field of classical music congratulated her on being conferred the highest civilian award. तो जो भी मुमताज शख्सियात थी क्लासिकल म्यूजिक में, रिवायती मौसीकी में, तो उन्होंने तमाम ने आपको मुबारकबादी पेश की जैसे ही आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपको भारत रत्न दिया जा रहा है, हाइस्ट सिविलियन अवार्ड, आला शहरी अवार्ड आपको मिलने जा रहा है। तब ये जैसे ही पता चलता है तो तमाम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, उन्होंने आपको मुबारकबादी देनी शुरू कर दी। रेनाउंड वोकलिस्ट पंडित जसराज सेड दैट द इवेंट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर क्लासिकल म्यूजिक इन द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो पंडित जसराज जो थे वो बहुत ही रेनाउंड यानी नामवर ग्लोकार थे, वोकलिस्ट यानी ग्लोकार थे। पंडित जसराज ने कहा कि ये जो लम्हा है, जो अवार्ड मिल रहा है एम एस सुब्बलक्ष्मी को, एक शान है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, यानी क्लासिकल म्यूजिक जो रिवायती मौसीकी है उसके लिए शान है। आज़ादी का गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है, यानी 50th ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, उस मौके पर मौसीकी को मिलने वाला ये अवार्ड जो है रिवायती मौसीकी के लिए एक शान की बात है। तो इस पर, इस सेंटेंसेस पर जो पंडित जसराज ने कहा, ये हमारा क्या आ सकता है, एक्सट्रैक्ट आ सकता है, तो इसको देखेंगे। अब ये तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ हमने लिए, इसके ताल्लुक से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से एक्सट्रैक्ट बनते हैं, उसके ताल्लुक से हम लेंगे। तो ये मैं थोड़ा क्वेश्चंस लेंगे, आप आंसर देने की कोशिश करें मेरे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न, किस म्यूजिशियन को भारत रत्न का अवार्ड सबसे पहले मिला? तो आप क्या लिखेंगे, सबक का नाम ही है, एम एस सुब्बलक्ष्मी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज एम एस सुब्बलक्ष्मी अवार्डेड पद्म भूषण, पद्म भूषण कब मिला? इन 1954 वॉज एम एस सुब्बलक्ष्मी अवार्डेड पद्म भूषण। थर्ड क्वेश्चन,
Where was MS Subbalakshmi born? तो कहाँ पैदा हुई MS Subbalakshmi का जन्म कहाँ होता है? तो MS Subbalakshmi was born in Madurai. मदुराई में आपका जन्म होता है. Fifth question, when did MS Subbalakshmi pass away? तो कब इंतकाल होता है MS Subbalakshmi का? तो MS Subbalakshmi passed away on 11th December 2004 at Chennai. चेन्नई में 11 दिसंबर 2004 को आपका इंतकाल होता है. Next question, who awarded the Bharat Ratna to MS Subbalakshmi? भारत रत्न का अवार्ड जो है MS Subbalakshmi को किसने दिया? तो तब के प्रेसिडेंट क्या नाम है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायण. तो हु वाज द हस्बैंड ऑफ श्रीमती MS Subbalakshmi? इनके शोहर का नाम क्या था? इनका इंतकाल हो चुका था. त्यागराजा सदाशिवम, फ्रीडम फाइटर. इनका वो क्या थे? मुजाहिदे आजादी थे और उनका नाम था त्यागराजा सदाशिवम. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच ईयर वाज MS Subbalakshmi अवार्डेड भारत रत्न? तो भारत रत्न का अवार्ड MS Subbalakshmi को किस साल में मिला? तो इसका जवाब है इन 1998. तो 1998 में आपको भारत रत्न का अवार्ड मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेंशन सम अवार्ड्स गिवन टू MS Subbalakshmi. ये दो मास के लिए आपको आ सकता है. इस अगर जो सबक से देखेंगे तो एक मास का आएगा, दो मास का आएगा और एक्स्ट्रैक्ट आएगा, यानी मैक्सिमम आपको 6 मास का आएगा इस सबक से, और मिनिमम कहेंगे तो 5 हो सकता है या 4 मास हो सकता है. ठीक है, 4 से 6 मास तक इस सबक में आने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इस सबक को मिस ना करें, ध्यान से पढ़ें. ठीक है, मेंशन अवार्ड्स, ये 2 मास के लिए आ सकता है कि अवार्ड्स कौन से मिले MS Subbalakshmi. तो जिस तरह हमने पहले स्लाइड में पढ़ा, शी वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 1954, पद्म भूषण अवार्ड मिला. इंदिरा गांधी अवार्ड इन 1990, भारत रत्न इन 1990. ये 3 दिखेंगे तो भी काफी हो जाएगा आपके लिए 2 मास के लिए. ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट देखते हैं इसमें कौन से बनते हैं ये 4 पैराग्राफ को. तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट, द इवेंट वॉज मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर क्लासिकल म्यूजिक. तो ये जो लम्हा है वो क्लासिकल म्यूजिक के लिए एक शान की बात. तो इसके ताल्लुक से, इस जुमले के ताल्लुक से यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, हु सेड दिस, किसने कहा? तो पंडित जसराज सेड दिस. तो किसने कहा? पंडित जसराज ने ये जुमला कहा. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, Who was it said to? किसके लिए कहा गया ये जुमला? तो it was said to MS Subbalakshmi. यानी MS Subbalakshmi के ताल्लुक से आपने ये जुमला. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, When was it said? कब कहा ये जुमला? तो when MS Subbalakshmi won the भारत रत्न अवार्ड. जब MS Subbalakshmi को भारत रत्न अवार्ड मिला तब ये जुमला पंडित जसराज ने कहा. फोर्थ देखें, व्हाई वाज इट सेड टू, ये जुमला उन्होंने क्यों कहा? तो शी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न. ये जुमला इसलिए कहा क्योंकि वो पहली खातून थी जिन्हें मौसिकी में भारत रत्न का आला एजाज मिल रहा था. इससे पहले किसी को म्यूजिशियन को ये अवार्ड ना मिला था. ये पहली खातून थी म्यूजिक से ताल्लुक रखने वाली. पंडित जसराज ने ये बात कही कि ये क्लासिकल म्यूजिक के लिए एक शान की बात है, ग्लोरी है. ठीक है, अब सेकंड एक्सट्रैक्ट लेते हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कॉन्ग्रेचुलेटेड हर. तो म्यूजिक से जितने भी नामवर शख्सियात हैं, मुमताज तरीन शख्सियात हैं, उन्होंने
आई एम एस सुब्बलक्ष्मी को मुबारकबादी दी। इस सेंटेंस पर अब एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, हु वेर द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, तो वो मुमताज तरीन शख्सियात कौन थी, तो वो मुमताज तरीन जो शख्सियात थी वो कौन थी, पंडित जसराज और सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर। तो ये दो शख्सियात थी जो म्यूजिक के मैदान में बहुत ही मुमताज तरीन मानी जाती थी, तो कौन, पंडित जसराज और सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर, ये दोनों के ताल्लुक से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हु वॉज हर रेफर टू, यहाँ पे इस जुमले में हर, ये जो हर लव है वर्ड है, ये कौन है, तो रेफर किसके लिए किया गया है हर, तो हर रेफर टू एम एस सुब्बलक्ष्मी, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी के ताल्लुक से यहाँ पे हर। नेक्स्ट, वाई डिड दे कॉन्ग्रेचुलेट, उन्होंने क्यों मुबारकबादी दी, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी वन भारत रत्न अवार्ड, क्योंकि एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब थर्ड एक्सट्रैक्ट लेते हैं। हर मूवमेंट ऑफ जॉय वॉज स्टिंग्ड विद सैडनेस, वो खुशी का लम्हा गम में छुपा हुआ था या गम में रंगा हुआ था। इस एक्सट्रैक्ट के तलुक से क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज हर इन द इन दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हर कौन है, ये जो वर्ड प्रोनाउन हर है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, आंसर इज हर रेफर टू एम एस सुब्बलक्ष्मी। सेकेंड बी, वॉट वॉज द मोमेंट ऑफ जॉय, वो कौन सा खुशी का लम्हा था, तो शी बींग अवॉर्डेड विद भारत रत्न, शी बींग अवॉर्डेड विद भारत रत्न, तो यहाँ पे उसे एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा था, यही वो खुशी का लम्हा था। सी, वॉट टिंग हर जॉय विद सैडनेस, या कौन से गम में उसकी खुशी रंगी हुई थी, तो हर हस्बैंड त्याग राजा सदाशिवम पास्ड अवे जस्ट ए कपल ऑफ मंथ अर्लियर, कुछ ही महीने पहले उनके हस्बैंड सदाशिवम का इंतकाल हो चुका था, यही वो गम था जो उस खुशी को फीका कर रहा था। नेक्स्ट, अब आगे के पैराग्राफ देते हैं हम, तो चार हो गए, अभी पांचवा पैराग्राफ देखते, तो यहाँ पे मैंने मीनिंग दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ग्लॉसरी के। ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ कर्नाटका म्यूजिक सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर एक्सप्रेस जॉय फॉर द अवार्ड सेइंग, क्लासिकल म्यूजिक के और एक दिग्गज या तजुर्बाकार या माहिर शख्स कौन थे, सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर, तो ये इन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, एक्सप्रेस करना खुशी का इजहार कैसे किया, तो ये सेंटेंस बहुत बार अगर जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो ये सेंटेंस एक्सट्रैक्ट आ चुका है, इसके ताल्लुक से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इनका स्टेटमेंट है, द म्यूजिक वर्ल्ड एंड तमिलनाडु हैव बीन ऑनर्ड बाय दिस डिसीजन, तो इन्होंने कहा कि ये जो भारत रत्न का अवार्ड दिया जा रहा है एम एस सुब्बलक्ष्मी को, पूरी मौसीकी की दुनिया के लिए और खासकर तमिलनाडु के लिए एक इज्जत का वास, क्यों, क्योंकि वो तमिलनाडु से बिलोंग करती थी एम एस, अब इसके ताल्लुक से भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है, इस सेंटेंस को याद रखें आप। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग उर्दू में मैंने दे रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सिक्स पैराग्राफ देखते हैं। एम एस सुब्बलक्ष्मी वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 16, 1916, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी का जन्म 16 सेप्टेम्बर 1916 को होता है, 16, 1916, तो ये याद करने में भी आसान है, 16 है और ईयर भी 16 है। ठीक है, शी गेव हर फर्स्ट रिसाइटल एट द टेंडर एज ऑफ 10, तो इन्होंने पहला अपना गीत गाया, रिसाइटल यानी गीत गाना, तो आपने पहला अपना गीत कब गाया, टेंडर छोटी उम्र में, 10 साल की छोटी उम्र में
एमएस सुब्बलक्ष्मी ने अपना पहला गीत गाया। अब कहां पे गाया, एक क्वेश्चन भी आ सकता है। When she was asked to sing at the wedding of a friend of the family in Madurai, जब मदुराई में आपके फैमिली के किसी फ्रेंड की शादी में आपसे गीत गाने के लिए कहा गया, तब आप 10 साल की उम्र में पहला गीत अपना गाया। Her seemingly effortlessness music was rooted in the technical mastery. तो आपके अंदर जो मौसिकी जो है सराहत कर गई थी, बहुत ही आसानी से आपने म्यूजिक को सीखा। तो बजाहिर क्या है, म्यूजिक जो है उनके जिस्म में, उनके रूह में बस चुकी थी। सीजलेस प्रैक्टिस, और आपकी अंथक कोशिश ने, रेस्ट्रेंट सब्र और तहमुल ने, कांस्टेंट सेल्फ अप्राइजल, और क्या है, खुद तशकीस से, यानी आप खुद क्या है जांच करती कि तक कोशिश की बुनियाद पर क्या है वो इस मुकाम तक पहुंची कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला। नो अदर आर्टिस्ट हैड बीन एज सक्सेसफुल इन ब्लेंडिंग द इनिशिएटिव एंड द रिफ्लेक्टिव एलिमेंट ऑफ द आर्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई दूसरा फनकार इतना कामयाब नहीं हुआ जितना एमएस सुब्बलक्ष्मी ने अपने इन दूरंदेशी सलाहियतों की बुनियाद पर ये मुकाम हासिल किया। 7th पैराग्राफ, एमएस वाज़ द फर्स्ट वुमन रिसिपिएंट ऑफ संगीत कल्याण निधि अ टाइटल एंड द फर्स्ट वन टू पॉपुलराइज कर्नाटिक म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि एमएस सुब्बलक्ष्मी पहली खातून थी जिन्हें संगीत कल्याण निधि का लकब मिला, टाइटल ने लकब मिला। तो पहली खातून थी जिन्होंने ये जुनूबी हिंदुस्तान की कर्नाटिक म्यूजिक को शुमाली हिंदुस्तान तक पहुंचाया, और क्या है, मगरबी दुनिया और शुमाली हिंदुस्तान में इसे पहुंचाने में ये पहली खातून थी। On one celebrated occasion, Mahatma Gandhi requested her to sing his favorite bhajan for him. तो एक तकरीब में, एक फंक्शन में महात्मा गांधी ने आपसे दरख्वास्त की कि वो अपना पसंदीदा भजन उनके लिए गाकर सुनाए। ये भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है, इसे भी देख लें। MS had won many awards and accolades. तो यहाँ पे बहुत सारी तारीफें भी मिली, बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले एमएस सुब्बलक्ष्मी। तो यहाँ पे इसके ताल्लुक से थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। When did MS Subbalakshmi give her first recital? तो कब recital दिया आपने पहले? तो MS Subbalakshmi gave her first recital when she was 10 year old. तो 10 साल की टेंडर उम्र में आपने पहला अपना म्यूजिक का गीत गाया। तो who is famously known for Nightingale of India? तो कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है? तो कौन मशहूर है? तो एमएस सुब्बलक्ष्मी। तो एमएस सुब्बलक्ष्मी इज फेमसली नोन एज ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट वुमन रिसिपिएंट ऑफ द टाइटल संगीत कल्याण निधि, किस खातून को सबसे पहले संगीत कल्याण निधि का लकब मिला? तो इसका भी जवाब क्या है, एमएस सुब्बलक्ष्मी। तो यहाँ पे हु पॉपुलराइज कर्नाटिक म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया एंड द वेस्ट, तो किसने जुनूबी हिंदुस्तान की कर्नाटिक म्यूजिक को शुमाली हिंदुस्तान तक और पूरे मगरिब तक पहुंचाया? तो ये कौन थी? एमएस सुब्बलक्ष्मी। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी आ सकते हैं जितने हमने पैराग्राफ लिए। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखिए, द म्यूजिक वर्ल्ड एंड तमिलनाडु हैव बीन ऑनर्ड
तो पूरी मौसीकी की दुनिया को और खासकर तमिलनाडु को एक इज्जत बख्शी इस अवार्ड ने। तो हु सेड दिस, किसने कहा ये? तो सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर ने कहा, सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर सेड दिस। ठीक है, अब हु डज दिस स्टेटमेंट रेफर टू, कि किसके लिए इसने इन्होंने जुमला कहा, तो किसके लिए कहा? तो दिस स्टेटमेंट रेफर टू एम एस सुब्बलक्ष्मी। इसके लिए कहा एम एस सुब्बलक्ष्मी के लिए आपने ये जुमला कहा। वेन वॉज इट सेड, तो आपने कब कहा? वेन एम एस सुब्बलक्ष्मी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, तो जब एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया। सेकेंड एक्सट्रैक्ट लेते हैं, शी गेव हर फर्स्ट रिसाइटल एट द टेंडर एज ऑफ 10, तो 10 साल की उम्र में आपने पहला गीत गाया। तो हु वॉज रेफर एज शी, तो यहाँ पे शी कौन है, शी किसके लिए इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन है, तो शी रेफर टू एम एस सुब्बलक्ष्मी। शी जो लफ्ज है यहाँ पे, शी यानी कौन सा प्रोनाउन में कौन सा नाउन स्टैंड कर रहा है, एम एस सुब्बलक्ष्मी, इसके एवज में लिखा गया है शी एम एस सुब्बलक्ष्मी। सेकेंड, वेयर डिड शी गिव हर फर्स्ट रिसाइटल, तो आपने कहाँ अपना पहला जो गीत गाया, तो सबक में हम पढ़ चुके हैं, शी गेव हर फर्स्ट रिसाइटल एट द वेडिंग फंक्शन एट मदुराई, तो मदुराई में एक जो शादी में आपने पहला गीत अपना गाया 10 साल की उम्र। फ्रॉम विच लेसन इज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम, तो ये जो जुमला है कौन से लेसन से लिया गया, वो लेसन कौन सा है, द टू ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है, अगर चाहे ये ऊपर के देखें आप, ये बहुत बार पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में एक्सट्रैक्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ये भी आ सकता है, महात्मा गांधी रिक्वेस्टेड हर टू सिंग हिज फेवरेट वर्जन फॉर हिम, तो यहाँ पे हु वॉज हर रेफर टू, तो यहाँ पे हर जो प्रणाम है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हर वॉज रेफर टू एम एस सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच लेसन इज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम, कौन से सबक से लिया गया है, द टू ग्रेट म्यूजिशियन।